हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो में। और भाई अभी एल-कार्निटाइन ले रहे हैं जो कि फैट लॉस सप्लीमेंट है। मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाई एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हैं, क्योंकि हमेशा जो है ये आपकी बॉडी से ना फैट सेल्स को तोड़ के एनर्जी में प्रोवाइड करता है। तो आप भी फैट लॉस कर रहे हो तो एल-कार्निटाइन जरूर यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है। और अभी दिखाते हैं आपको बैक बाइसेप वर्कआउट। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो चिनअप्स स्टार्ट कर रहे हैं। चिनअप्स अभी भाई पे कमी लग पा रहे हैं, बैक दिखा तो बैक की शेप काफी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। देखो आप लेग्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। कितने चलो अभी तो तीन या चार ही लग पा रहे, धीरे धीरे देखना 10 भी लगाएंगे और 15 भी 20 भी, कोई नहीं अभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी धीरे धीरे। कितने सेट हो गए चिनअप्स भी की हैं थोड़े भाई, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कितने सेट हो गए, टेंशन मत लो। दो लगाए, एक और लगाओ। अच्छा ठीक है। वन टू, नीचे स्लो, थ्री फोर, पूरा नीचे मत लेने जा, फाइव, थोड़ा सा और बैंड हो आगे, सिक्स सेवन, पूरा नीचे नहीं, एट नाइन और ऊपर, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, डन। सिटेड रोइंग इसके साथ ही बिना रुके। चलो चलो स्टार्ट करो, चेस्ट अप, चलो आगे थोड़ा सा आगे रहो, बॉडी को आगे, इतना भी नहीं, थोड़ा सा पीछे हो पहले तो, बस चलो चलो, एक और पीछे, दो तीन चार पांच, फेस सामने, छह तो गुड, ग्यारह, ज्यादा बैंड मत हो, बारह तेरह, चलो पंद्रह, डन डन। चलो सेकंड सेट, वेट इंक्रीज करा इसमें 10 kg। चलो ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थोड़ा सा अंदर पकड़ो, थोड़ा सा अंदर पकड़ो रॉड को। चलो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, सिटेड रोइंग, रॉड को ना हमेशा शोल्डर से हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा बाहर, बस ये रेस्ट नहीं लेना, पैर आगे, चेस्ट अप, वन टू थ्री ठीक है, फोर वेरी गुड, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दो और, इलेवन ट्वेल्व, डन, वेरी गुड। क्या हुआ तो थर्ड सेट है, वेट इंक्रीज कर लिया है। चलो छह से आठ रैप्स आएंगे, कोशिश करना, वन टू थ्री वेरी गुड, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, डन। चलो प्लेट निकालो, उस साइड से प्लेट निकालो दो, चलो हाँ हाँ चलो चलो फिर से निकालो, छह, चलो चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ निकाल दें, चलो, वन टू थ्री फोर फाइव, नेक्स्ट सीधी रखो, सिक्स सेवन एट, कैसी हालत है भाई ठीक हो? इसका ड्रॉप नहीं करना, नहीं नहीं इसका ड्रॉप नहीं करना, स्टार्ट, चलो चेस्ट अप, वन एल्बो अंदर, हाँ ये, टू पूरा टच, थ्री फेस को आगे मत लेके जाओ, फोर और इससे ऊपर मत लेके जाओ, फाइव सिक्स, टच यहाँ पे करो थोड़ा सा ऊपर, एट नाइन धीरे, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन स्लो, फिफ्टीन सिक्सटीन, डन, गुड। चल क्लोज,
बिना रुके, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा वाइट, शोल्डर, शोल्डर लेवल, शोल्डर लेवल, हाँ ये हल्का सा अंदर, हल्का सा अंदर, हल्का सा, बस बस बस, ठीक है चलो। चेस्ट अप, वही सेम पोस्चर, 1 2 3 4 स्लो, 6 ऊपर जाते समय स्लो रखा करो, चलो जितने निकल सके मैक्सिमम, ये थोड़ा सा आएगा ही भाई आर्म्स मूव, क्योंकि रिस्ट से ही वेट उठा रहे हो आप, तो वो ज़्यादातर बहुत से लोगों को ये होता है कि उनके बैक में आर्म्स उसके यूज़ होते हैं और फोर आर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं, तो भाई जब भी आप ग्रिप पकड़ते हो और वेट उठाते हो तो आपके फोर आर्म्स यूज़ होंगे ही उसमें, तो वो एक नॉर्मल है, वो सबकी मसल्स पे आता है, और बाइसेप भी यूज़ होते ही है आपके, 20-30% बाइसेप यूज़ होते ही है बैक करते समय। चलो एक सेट हुआ, लेग्स किस में, नी में, कितने बजे बनाई चाय, 2 बजे चाय बना के मेरे भाई, मैं तो अब चाय पीऊ भी ना हूँ भाई, लास्ट ही आज सुबह की लास्ट चाय भाई, मैं कहता रहा हूँ सुबह चाय पी, सुबह पता चल गया मन की अब होना ही स्टार्ट हो गया भाई, चाय से भी प्यार ही हो रहे, ये मान नहीं रहा। चलो स्टार्ट करो, मेरे को कॉफी नहीं हिट करती तो इसलिए मेरे को तुझे दूध हिट करता है ना इतना सा पीने में, ब्लैक कॉफी बहुत पीता है, हैं ब्लैक कॉफी भाई, इसे नींद आ जाती है, इसे कैसे भी नींद आ जाती है, तूने देखा ना ब्लैक कॉफी पिया के सो ले, मुझे चाय पी के नींद आ जाए, तू जा जा, हां मैंने ओवर वाली बनाई थी, हां हाई वाली जो मैंने बनाई, 2 बजे कुछ बढ़िया खा लेते, 5 आदमी की, एक ओवर, 5 आदमी की पत्ती डाली है, चलो हां 2 ठीक है, भाई ऊपर स्लो लेके जाएगा और फेस को सीधा रखा करो रॉड की तरफ ही, 9 वेरी गुड, 10 ऊपर मत जाने देना, 11 12 13 एक और 14 डन, क्लोज 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 बिना रुके, चलो 14 फिर से, ये 1 वेरी गुड, 2 3 ये चलो 4 फेस सीधा, 5 वेट ड्रॉप कर दो, वेट ड्रॉप करके लगाओ, 3 प्लेट कम कर दो, डन, चलो 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 चलो, 1 2 3 तीन और, 2 1 1 डन, चलो चलो थर्ड सेट है, 1 2 3 आराम से, 4 5 6 7 8 9 10 डन 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 डन, क्लोज लो, क्लोज क्लोज क्लोज, सात 8 9 चलो डन, तो 3 सेट हो चुके डन, अब दिखाते बाइसेप, बाइसेप की तो हम 3 ही एक्सरसाइज करेंगे, अभी 4 तो करी है इसकी, किसकी, डेडलिफ्ट लेंगे, हां डेडलिफ्ट 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 नहीं नहीं डेडलिफ्ट हर बार वो हो रही है, और वो लेंगे हम बाइसेप के बाद, अलग बाइसेप के बाद, हाँ क्योंकि फिर डेडलिफ्ट करने के बाद फिर बाइसेप नहीं होंगे तुम्हें, तो लास्ट में देखना, चलो हल्का तो बाहर पकड़ो, थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा और बाहर, हाँ हाथों की ग्रिप थोड़ी सी और बाहर, इतनी भी नहीं हल्की सी कम, ये शोल्डर से हल्का सा, हाँ चलो हाथों को सीधा, चेस्ट अप, चलो अप, 1 ठीक है, नीचे स्लो, 2 ठीक है, 3 रिस्ट मूव कर रही है तुम्हारी, रिस्ट को ना हल्का सा ऊपर बैंड रखो, 4 5 6 नीचे स्लो लाओ भाई, 7 हाथों को सीधा, 8 थोड़ी सी एल्बो आगे, 10 6 और, 5 4 3 2 1 नीचे स्लो भाई, नीचे स्लो लाया करो, ये गलती मत करा करो, फिर वो मसल पे इतना नहीं आएगा,
ऊपर चाहे तुम कैसी ले जाओ पर नीचे स्लो लाओ, इस चीज का ध्यान रखो। और जब भी तुम बाइसेप कर रहे हो ना तो ये हाथों को अंदर मत बढ़ाओ, हल्का सा आगे रखो जो नीचे करते समय स्ट्रेट हो सके। हाँ पूरा बाइसेप पे रहा था पर थोड़ा और फटीग हो सकता है, वो कम रैप्स में ज्यादा मसल फेलियर अचीव हो जाएगा फिर। चलो सेकंड सेट 12, चलो एक नीचे धीरे, दो तीन नीचे, ये परफेक्ट, चार पांच, चलो छः सात, स्लो नीचे स्लो, आठ, चार और तीन, चलो दो, कोई दिक्कत नहीं अब कैसे भी निकल रहे, एक डन। आया पम तो देख रहे हो भाई ये है बाइसेप की एक्सरसाइज, ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बाइसेप की दो या तीन एक्सरसाइज कर लो उसी में बन जाते हैं। और देखना भाई को हम बाइसेप और ट्राइसेप की सिर्फ दो दो तीन तीन एक्सरसाइज ही करते हैं। आपने पहले भी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ट्राइसेप का वर्कआउट दिखाया, सिर्फ तीन एक्सरसाइज की है और बाइसेप की भी हम तीन ही करेंगे तो इतने में ही मसल बन जाती है, छोटी मसल है, ज्यादा ट्रेन मत करा करो। तीन एल्बो थोड़ी सी अंदर को, बस चलो चलो चलो, चार पांच नीचे स्लो, छः पूरा नीचे लेके जाओ, सात हाथ सीधे जरूर करो, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तीन और, चौदह पंद्रह सोलह, डन स्लो। चलो और ऊपर, दो तीन चार पाँच छः, चलो और नौ, जितने निकल सके स्लो, नीचे धीरे लेके जाओ भाई, नीचे धीरे, हाँ ठीक है, लास्ट है डेडलिफ्ट, नी थोड़े से पीछे लो और बॉडी से बिल्कुल टच करके वेट को उठाना, चेस्ट अप, चलो वन ठीक है ठीक है, टू परफेक्ट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लोअर बैक अंदर रखो, चलो एट नाइन टेन। तो दोस्तों हो चुका है बैक बाइसेप वर्कआउट कंप्लीट और आपने देखा ही काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है फैट लॉस के लिए, आप भी इसको ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट में। और जिन भी भाई को फैट लॉस करना हो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाइट के ऊपर लाऊंगा कि भाई की क्या डाइट चल रही है, क्या फैट लॉस डाइट है, आप भी उसको ऐड कर सकते हो क्योंकि भाई की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं हम 90 डेज की, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सीरीज, अभी तक दो वीडियो डाल चुका हूं मैं, तो जितना बॉडी कंडीशन जितनी बॉडी चेंज होगी मैं डालता रहूंगा वीडियो को। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, वीडियो पे जितने व्यूज़ जाएंगे मैं इस सीरीज़ को उतना ही पूरा कर पाऊंगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।